ये रोड का लंबाई कश्मीर टू कन्याकुमारी तक है। जंक्शन है रेलवे स्टेशन बेंगलोर का, बहुत बड़ा टाइगर 3 लगा सलमान खान का और सिनेमा हॉल है। हम देखो लिफ्ट में जा रहा है दोस्तों, पहली बार नहीं है, बहुत बार कर चुका। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग दोस्तों। मैं हूं रवि और आप देख रहे हो फ्रेंडली रवि ब्लॉग। दोस्तों आज का ब्लॉगिंग तबाही वाला होने वाला है, क्योंकि आज मैं आप लोगों को टूर एंड ट्रेवलिंग ब्लॉग दिखाने वाला हूं। तो वीडियो को अंतिम तक जरूर देखिए। मैं आप लोगों को बहुत अच्छा अच्छा व्यू दिखाने वाला हूं, बहुत अच्छा रोड दिखाने वाला हूं, बहुत अच्छा सीन दिखाने वाला हूं। तो वीडियो में बिल्कुल बने रहिए और लास्ट तक जरूर देखिए। अब चलते हैं हम गाड़ी के पास। तो देख सकते हो गाइस, लगेज पैकिंग हो रहा है, बस कुछ ही देर में निकलने वाले हैं। मैं डोर अच्छा नहीं लगाया। क्या किसका डोर नहीं लगाया? देखो आपका मेरा है। इधर का देखो, तो गाइस आज आप लोगों को तमिलनाडु का रोड दिखाने वाला हूँ। और हम लोग ऑलरेडी निकल चुके हैं और हमारे भैया ओनर जी हंस रहे हैं हमको देख के। और बैक साइड में आप देख सकते हो, आप लोगों को दिखा रहा हूँ, मेरा फैमिली बैठा हुआ है आगे। आप वीडियो में बिल्कुल बने रहो क्योंकि आप लोगों को बहुत अच्छा अच्छा व्यू दिखाने वाला हूँ। सब लोग शर्माते हैं थोड़ा, गाँव देहात के है ना दोस्तों। आज मैं आप लोगों को एक ऐसा रोड दिखाने वाला हूं जो हमारा भारत देश का सबसे लंबा रोड है। और ये रोड का लंबाई कश्मीर टू कन्याकुमारी तक है। और ये रोड का नंबर है NH 44। और हमारा भारत इंडिया का सबसे लंबा रोड है और 4 लेन है दोस्तों। तो जस्ट मैं आपको बैक कैमरा करके दिखाता हूँ। आप देख सकते हैं हमारा इंडिया का सबसे लंबा रोड है, जो कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक का रोड है। और इसी रोड में हम सफर कर रहे हैं ट्रेवलिंग ब्लॉग। मैं आप लोगों को वीडियो का फर्स्ट में बोल दिया था कि आप लोगों को मैं बहुत अच्छा अच्छा व्यू दिखाने वाला हूँ बोल के। तो आप वीडियो में बिल्कुल बने रहिए, आपको बहुत अच्छा अच्छा व्यू दिखाने वाला हूँ मैं। और ऑलरेडी हमारा मिनी ब्लॉगर भी पीछे साइड में मेरा शूट कर रहे हैं कि ब्लॉगिंग कर रहे हैं कि नहीं बोल के, आप देख सकते हो। अभी जो आप लोग देखे हो होसूर सिटी है, जो बहुत अच्छा व्यू है। और हम बाईपास में जा रहे हैं दोस्तों। बंदो थोड़ा मेरे को देख नाराज हो रहा है जैसा लगता है। अभी आपको आगे बेंगलोर सिटी दिखाने वाला हूँ, बहुत ही बड़ा और खूबसूरत सिटी है। तो वीडियो में बिल्कुल अंतिम तक जरूर रही। तमिलनाडु से कर्नाटक हम लोग घुस चुके हैं दोस्तों। टूल प्लाजा है, आपको तमिलनाडु का बॉर्डर और कर्नाटक का बॉर्डर। थोड़ा कैमरा चालू करने में हमारा गाड़ी क्रैश हो गया। नेक्स्ट जब रिटर्न आएंगे तो आप लोगों को जरूर दिखाऊंगा मैं।
हम लोग बेंगलोर सिटी एंट्री कर चुके हैं और आप लोगों को मैं अच्छा व्यू और रोड का नज़ारा दिखा रहा हूँ। आप देख सकते हो बेंगलोर का रोड कितना गजब है और मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ। ट्रैफिक नहीं दिख रहा है क्योंकि हम लोग थोड़ा मॉर्निंग में ट्रैफिक ज़्यादा होता है, अभी मॉर्निंग से ज़्यादा हो गया है, टाइम 11:30 हो गया, इसीलिए फिर भी ट्रैफिक दिखेगा आप लोगों को। ट्रैफिक में एक बात इम्पोर्टेंट बताने वाला हूँ और दिखाने वाला हूँ, वीडियो में बिल्कुल बने रहो। क्रिकेट स्टेडियम चिन्ना स्वामी ये वाला है दोस्तों, आपको दिखा रहा हूँ। देखिए ये क्रिकेट स्टेडियम है, यहीं से कल इंडिया जीता है। ऑलरेडी हम ड्रॉप कर चुके हैं और फिर रिटर्न जा रहे हैं। बेंगलोर सिटी का नज़ारा फिर दिखाएंगे।